यद्भूतं तद्भवश्यं यद्भवश्यं तद्भविष्यत् इत्युभयम्पि न कंचित शोचयति। अर्थार्थ जो बीत गया है वो बीत गया और जो आने वाला है वो भी आ जाएगा। इन दोनों ही बातों से किसी को शोक नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धार्मिक दृष्टि चैनल पर स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढने में मेहनत करनी है। इश्क भी जनाब क्या खूबसूरत हस्ती है, किसी से जबरदस्त है तो किसी से जबरदस्ती है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। उम्र और समझ में फर्क हो सकता है, लेकिन जज्बात तो सबके गहरे होते हैं। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलबों का परहेज बताया। दिल पर ना लो उनकी बातें जो दिल में रहते हैं, दोनों ही बहुत दुर्लभ है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है, स्वार्थ से चल रही है ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए, ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती है और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को। समय सभी का आता है, इसीलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है शायद, इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे, जिंदगी ही तो है, जो भी होगा संभाल लेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। पता नहीं कैसे आसान होता है लोगों के लिए दिल का बदलना। हमें तो एक किराए का घर ही बदलने पर भी बहुत तकलीफ हुई थी। जिंदा रहने का कुछ ऐसा अंदाज रखो जो तुमको ना समझे उन्हें नज़रअंदाज रखो। लोगों को जख्म वहीं से मिलते हैं जहां से उन्हें मरहम की उम्मीद होती है। भरोसा तो बगैर सांसों का नहीं होता, और लोग इंसान पर कर लेते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई खामोश होने से पहले। गंदगी तो देखने वालों की नजरों में होती है, वरना कचरा चुनने वालों को तो उसमें भी रोटी नजर आती है। कुछ लोग आए थे मेरा दुख बांटने, मैं जब खुश दिखा तो खफा होकर चल दिए। बेफिक्र है आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र वह करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदलना भी जरूरी है। कई बार चुप रहना कमजोरी और हार नहीं होती, बल्कि वक्त और हालात ऐसे करने पर मजबूर कर देते हैं। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती,
जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। गुस्सा आपको छोटा बनाता है, क्षमा आपको विस्तार देती है। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। इंसान वो नहीं जो चेहरे से दिखता है, इंसान वो है जो सोच से दिखता है। तुमने भी हमें बस एक दे की तरह समझा था, रात गहरी हुई तो जला दिया, सुबह हुई तो बुझा दिया। इतनी शिद्दत से प्यार न करना कभी किसी से, क्योंकि बहुत गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। चिराग कैसे अपनी मजबूरियां बयां करें, हवा जरूरी भी है और डर भी उसी से है। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे, कभी वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देंगी। कभी कभी धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक, अक्सर हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। मुझको पसंद करते हैं बस चंद लोग ही, सबकी अच्छी पसंद हो कोई जरूरी तो नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। आप जिस पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, अक्सर आपकी आंखें वही खोलते हैं। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है। कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। जिंदगी जिंदगी नहीं जिम्मेदारी है, जिसे हम जीते कम निभाते ज्यादा है। जरूरत हो तभी अपने को जलाओ यारों, उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती। किसी को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उसकी खुशबू लेना मत भूलिए। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां स्याही का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। लोग कहते कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है सिर्फ रुलाता है, मगर हम कहते हैं कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। मत कर इतना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जिंदगी को नर्क बनाने के लिए आज की दुनिया के तीन प्रमुख तरीके, झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, लाभ ही लाभ होगा। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है, यूं ही हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सदियों से परेशान है और परेशान रहेगा। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक दो बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। अब हर बात याद रहती है तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। मुकम्मल कहां हुई जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। दिल पर हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। रिश्तों की छाए में शक्कर जरा माप के ही रखना, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है।
सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा होगा कि समय को सही बनाने की कोशिश करें। शायद एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। प्यार वह चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अगर सफलता पानी है तो इन तीन बातों को जान लो। पहली, लोगों से ज्यादा जानो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर उसको संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी। कभी अकेले बैठकर सोच कर तो देखो, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। सारे वजन उठाकर देख लिया, दाल रोटी ही सबसे भारी है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। प्यार और भरोसा, ये दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए, सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। कितना कमा लेते हो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो यह कोई नहीं पूछता। शराब से ज्यादा नशा धन का होता है। शराब का नशा तो दो चार घंटे बाद ही उतर जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। काश जिंदगी की परेशानियां भी स्टेटस की तरह होती, 24 घंटे के बाद खुद ही हट जाती। लोगों को ब्लॉक नहीं बल्कि इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वह तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। जितना प्रयास हम अच्छा दिखने के लिए करते हैं, यदि उतना प्रयास अच्छा बनने के लिए करें तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछलते हैं लोग। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब पर आकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी वक्त तक साथ निभाते हैं। हर दुख एक सबक देता है,
और हर सबक इंसान को बदल देता है। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह अपने कर्मों पर निर्भर है। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देख, मुझसे भी बुरे हैं लोग हैं, तू घर से निकल के तो देख। अगर आपको देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए, और अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे, जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। ये झूठ है कि तुम काबिले तारीफ नहीं, ये सच है कि जमाने में तारीफ करने की काबिलियत नहीं है। सुख और दुख जिंदगी के दो हिस्से हैं, जब तक हम दुख से नहीं मिलेंगे सुख अधूरा रहेगा। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। आंसू आए तो खुद ही पोंछ लीजिए, कोई दूसरा पोंछेगा तो सौदा जरूर करेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया सताती बहुत है। यह हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता, हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वह कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वह अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की, वह भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं है। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं, जेब में पैसा होना चाहिए, लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे।
उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। यह दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो, चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या देख लो चांद में दाग। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भाग उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। सुख में सब साथ में रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि यह मुझे धोखा दे सकता है, यह मेरा साथ छोड़ सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो कभी सोचा ही नहीं था। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे धार्मिक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी करें। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, और जय श्री कृष्ण।